छत्तीसगढ़ प्रदेश ला वर्ष 2023 तक टीबी मुक्त बनाए के राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत टीबी के सघन खोज और उपचार अभियान 10 सितंबर ले चलाए जाते। कोरिया कलेक्टर श्याम भावड़े के मार्गदर्शन में अब तक एक अभियान के तहत लोगन के स्क्रीनिंग करे जाते। स्क्रीनिंग में 380 मरीज संदेहास्पद मिली, जिनका टीबी जाँच करे गई। जाँच में 7 मरीज के टीबी के पहचान हुई। कोरिया जिला के सब्बो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगातार टीबी मरीज मन के जांच करे जाए के बात कहे जाते। और जिला मुख्यालय समेत जिला भर के सब्बो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शिविर आयोजन करे के बात भी कहे जाते, लेकिन हकीकत कुछ और निकल के आगू आवत है। कोरिया जिला के आसपास लगभग 2 दर्जन ले अधिक कोयला खदान है। खदान में कोल डस्ट के बीच रहिया लोगन मन ला टीबी के अक्सर शिकायत रही थे। उनकर बेहतर उपचार बर वर्षों पहली मनेन्द्रगढ़ के आमा खेरवा इलाका में टीबी अस्पताल बनाए गए रहिस, लेकिन अधिकारी मन के उदासीनता के चलत टीबी अस्पताल ला बंद करे ला पड़ीस। हैरत वाला बात यह है कि जिन टीबी अस्पताल में लगभग 40 ले अधिक कमरा बने रहिन, वो पूरा के पूरा अस्पताल कबाड़ी के भेंट चढ़ गए। बिल्डिंग में लगे दरवाजा खिड़की समेत सगरी चीज कबाड़ी ले उड़ीन, लेकिन आज तक ये मामला में चोरी की शिकायत तक दर्ज नहीं कराए गए है। जिला में शासकीय तौर ले भले ही क्षय रोग निदान के बात कहे जाते, लेकिन जिला के अधिकारी कतका लापरवाह है एकर अंदाजा यही बात ले लगाए जा सकत है। हम लोग यहाँ 30-35 साल से हो गया रह रहे हैं। 30-35 साल में 15 साल पहले ये सब टूट फूट गया है। यहाँ का जितने थे अधिकारी सब मतलब यहाँ देख रेख नहीं किए। यहाँ का सेंट्रल हॉस्पिटल टीबी हॉस्पिटल टूट फूट गया है। यहाँ सब कुछ कुछ नहीं बचा है, खाली अब ईटा वीटा बच गया थोड़ा मोड़ा। इसका जिम्मेदार कौन है? सेंट्रल हॉस्पिटल वाले इनका जिम्मेदार होंगे। उन्हीं का क्षेत्र था, उन्हीं को देख रेख में सेंट्रल हॉस्पिटल था, उसी में मरीज देखते थे टीबी को, यही सेंट्रल हॉस्पिटल दिखाते हैं। मैं यहाँ पर विगत 40 वर्षों से रह रहा हूँ। मैंने टीबी हॉस्पिटल को बहुत करीब से देखा था और यहाँ पर जब 1988 में SCCL ने लिया तो उस समय टीबी हॉस्पिटल था। उसके बाद SCCL में जाने के बाद यहाँ के अधिकारी और प्रशासन द्वारा उस टीबी हॉस्पिटल का समापन हो गया और वहाँ के सारे जो सामान थे ये SCCL वाले जानते हैं कि कहाँ गए हैं। उसके बारे में बताना बड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ के कर्मचारी और सभी लोग मिलीभगत थे, जिसके वजह से यहाँ का कल जो टीबी हॉस्पिटल भव्य था, जो लोगों के इलाज टीबी का चलता था, वो यहाँ पर समाप्त हो चुका है। इस बीमारी का इलाज के लिए अब सेंट्रल हॉस्पिटल में लोग इलाज के लिए जाते हैं, परंतु वहाँ पर टीबी के कोई डॉक्टर नहीं है और दिन पे दिन इस बीमारी को यहाँ पर इलाज होना संभव नहीं हो पा रहा है।